निकानोर नामी एक जर्नैल को स्वात के इलाके का हाकिम बनाकर सिकंदर ने अपने दो जर्नैलों यानी पर्डिकास और हिफायसचंद को दरियाए सिंध की तरफ भेजा कि वो वहां जाकर पुल बनाएं और फौज के आने का इंतजार करें। खुद सिकंदर आर्नोस फतह करने चला। रास्ते में उसने कई छोटी छोटी फतूहात की और उसके साथ कुछ मकामी सरदार भी शामिल हुए। एक बात जो आर्यन दिलचस्प लिखता है वो ये कि यहां कहीं एक शहर एम्बोलीमा भी था, वहां सिकंदर ने अपनी फौज का एक दस्ता भेजा कि वो जाकर राशन वगैरह का बंदोबस्त करें ताकि अगर कहीं आर्नोस की जंग लंबी पड़ जाए तो फौज को खाने पीने की मुश्किलात पेश ना आए। ये हमें नहीं पता कि एम्बोलीमा कहां था, लेकिन एक गुमान गुजरता है कि बुनेर के जिले में दरा अम्बेला जो है शायद उसके आसपास कहीं था और शायद उसी की निस्बत से बाद में दरे का नाम अम्बेला पड़ा। फिर पहाड़ के नजदीक पहुंचकर सिकंदर ने एक जगह पड़ाव डाला, क्योंकि आर्यन की तहरीर से ऐसा लगता है कि सिकंदर आर्नोस पर जुनूब की तरफ से चढ़ा, तो गुमान यह है कि वो जगह जहां उसने पड़ाव डाला वो शायद स्वात के गांव चकेसर के आसपास थी। यहां इसके पास चंद मकामी लोग आए जिन्होंने दोस्ती का इजहार किया और कहा कि जनाब हम आपको ऊपर जाने का सबसे आसान रास्ता दिखाएंगे। तो यूं सिकंदर की खोज हमें यहां स्वात के जिला शांगला में गांव अलपुरी और चकेसर के दरमियान चकेसर खांडाव तक ले आई। इससे आगे था आर्नोस का पहाड़ यूनानियों के लिए खासी मुश्किलात लिए हुए। वो मुश्किलात क्या थी और पहाड़ पर क्या कुछ हुआ ये जानने के लिए हमें एक पैदल सफर करना होगा। आर्यन लिखता है कि आर्नोस पहाड़ का घेर कोई 25 मील का था और इसकी ऊंचाई तकरीबन 8000 फुट। ऊपर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था जो कि चट्टानों में कटा हुआ था और खासा मुश्किल था। चोटी पर पीने का पानी एक बड़े चश्मे से वाफर मकदार में मिलता था। इसके अलावा वहां जंगल भी खूब था और खेती बाड़ी के लिए हमवार जमीन भी, इतनी जमीन के हजार आदमी इस काम में मसरूफ रहे। इसी जमाने का एक और तारीखदान ये भी लिखता है कि आर्नोस का पहाड़ दरियाए सिंध के ऐन ऊपर था। 20वीं सदी में जो तहकीक की गई तो उसके मुताबिक सिकंदर के जमाने का आर्नोस चकेसर के ऐन शुमाल में पीरसर नामी पहाड़ है। ऊंचाई में 8587 फुट यानी आर्यन के अदद से सिर्फ 500 फुट ऊंचा। सतह जमीन पर इसका घेर भी तकरीबन 25 मील का है और दरियाए सिंध के किनारे पर वाकया है। सिकंदर ने अपने जर्नैल टोलमी को इस मुहिम का जिम्मेदार बनाया, तो वो मुकामी रास्ता दिखाने वालों की निशानदेही पर फौज लेकर आगे बढ़ा। रास्ता वाकई मुश्किल था। जनवरी सन 326 कबल मसीह में बाजौड़ में दाखिल होने के बाद जब सिकंदर इस मुहिम में मसरूफ था तो अप्रैल शुरू हो चुका था और पहाड़ बर्फ से ढका पड़ा था। सो टोलमी चोटी तक तो नहीं लेकिन खासा ऊपर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वहां उसने तयशुदा तरीके के मुताबिक लकड़ियां काटकर अपनी फौज के बचाव के लिए धुस बनाया
और आग का अलाव जलाकर सिकंदर को अपनी पोजीशन से आगाह किया। यूं अगले दिन सिकंदर ने भी ऊपर का रुख किया। पहाड़ के पख्तून और हजारा के मुहाफिजों ने एक जोरदार हमला किया और सिकंदर की पेशकदमी रोकने में कामयाब हो गए। साथ ही उन्होंने एक हमला टोलमी के दस्ते पर भी किया जो खासा कामयाब रहा। ऐन मुमकिन था कि वो यूनानी फौज को पीछे धकेल देते, लेकिन रात पड़ने की वजह से मजीद कार्रवाई रोकना पड़ी। हमारी कार्रवाई यहाँ अचर में इसलिए रुक गई कि हमारे यहाँ पहुंचने की देर थी और बारिश शुरू हो गई। अचर सतह समुन्द्र से कोई 8,000 फुट बुलंद है और चकेसर के लोगों की गर्मियों की चरागाह है, लेकिन चूंकि अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई तो ये वीरान पड़ा है और उसी वीरानी की वजह से हमें ये घर बारिश से बचने के लिए मिल गया। जब सिकंदर यहाँ आया था तो अगर यहाँ कोई ऐसी आबादी थी यकीनन वो भी वीरान पड़ी थी, क्योंकि याद रहे कि सिकंदर यहाँ अप्रैल के शुरू में आया था। रात के अंधेरे में सिकंदर ने टोलमी को पैगाम भेजा कि वो सुबह ध्यान रखे और जैसे ही उसे हमले के लिए बढ़ता हुआ देखे तो अपने धुस से निकलकर पूरी ताकत के साथ पख्तूनों पर हमला करे। तो यूं ही हुआ। सुबह सादिक को ही कार्रवाई एक तरफ से सिकंदर ने और दूसरी तरफ से टोलमी ने शुरू कर दी और शदीद लड़ाई के बाद दोपहर तक उन दोनों के दस्ते आपस में मिलने में कामयाब हो गए। दिफा करने वालों ने अपनी पोजीशन छोड़ी और पसपा होकर उन्होंने एक नई जगह पर मोर्चे संभाल लिए और यहाँ जो सिकंदर और टोलमी के दस्तों ने बराबर इकट्ठे हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब पाया और इस तरह ऑर्नोस पर हमले का दूसरा दिन ढला। अब हम ऑर्नोस को अपने पीछे छोड़ा है जो कि इन दरख्तों में ओझल है। ये इलाका बूढ़ी मार का कहलाता है और यही वो जगह है जहां पर यूनानी फौजें आकर लगी पख्तूनों के खिलाफ मार्के के लिए। सामने जो दो चोटियां हैं उनमें से ऊंची वाली का नाम पीरसर है और दरमियान में वो घाटी है जिसको दरख्तों से भरना जरूरी था। इस घाटी को दरख्तों से भरना इसलिए जरूरी था कि यूनानी मंजनीकें जो पीछे से खोलकर टुकड़ों में यहां तक लाई गई थी और जोड़ी गई थी उनको आगे ले जाया जा सके और वो वहां से पीरसर तक मार कर सके। दरमियानी खाई को भरने का सिलसिला कुल 3 दिन चला और फिर यूनानी तीर अंदाज और मंजनीक चलाने वाले अपना असलहा लेकर आगे बढ़े। ये अमल पहाड़ के मुहाफ़िज़ों के लिए कुछ अजीब सा था और जब उन्होंने देखा कि वो यूनानी मंजनीकों की जद में आ गए हैं तो उन्होंने हथियार डाल दिए। लेकिन इस दस्त बर्दारी में भी उन्होंने कुछ शर्तें रखी और सिकंदर को गुफ्त-ओ-शनीद की दावत दी। इस दौरान सिकंदर के जासूसों ने उसे बताया कि ऐसा नहीं है, गुफ्त-ओ-शनीद नहीं होगी, बल्कि ये मुहाफिज जो हैं ये रात के अंधेरे में चुपचाप अपने अपने घरों को निकल जाएंगे। तो जैसा कि उसने मसागा के किले में किया था बिल्कुल वही सिकंदर ने यहाँ ऑर्नोस के पहाड़ पर किया। उसने पख्तून मुहाफिजों को निकलने की इजाजत दी और फिर इन नहत्तों पर यकलख्त अपनी फौज लेकर टूट पड़ा। उस रात ऑर्नोस की इन ढलानों पर उन दलेरों में से सैकड़ों का खून बहा, क्योंकि सिकंदर को यकीन था कि अगर वो इन पख्तूनों को इस पहाड़ पर छोड़कर आगे बढ़ गया तो वो पलट कर उसके बनाए हुए मसागा, बजीरा और औरा के किलों और छावनियों को तबाह और वहां की यूनानी हाकिमों को कत्ल कर देंगे। एक दिलचस्प सवाल ये है कि ऑर्नोस का नाम वजूद में आया कैसे।
मकामी लोग आज भी ये जानते हैं कि इस पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी को उणासर कहा जाता है। तो जैसे यूनानियों ने उडे ग्राम का ग्राम छोड़कर उडे को औरा बना डाला, बिल्कुल वैसे ही उणासर से ऑर्नोस बन गया। बाकी रहा पीरसर का ताल्लुक, तो वो नाम बाद की याद है। आर्यन लिखता है कि ऑर्नोस का वाली सिकंदर ने सिसिकॉटस नामी एक मकामी सरदार को बनाया। ये शख्स दारा की फौज में शामिल था, लेकिन फारसियों की शिकस्त के बाद इसने सिकंदर की फौज में मुलाजमत कर ली और उसके साथ ही यहां तक आया। तो एक बात बताता चलूं कि कॉटस यूनानी में गुप्ता का तलफ्फुज़ था। ऐसा लगता है कि सिसिकॉटस शशि गुप्ता नामी कोई मुकामी सरदार था। तो यूं ऑर्नोस या उणासर फतह हुआ और सिकंदर आगे बढ़ा। अब उसकी मंजिल दरियाए सिंध पर वो पुल थी जिसको तैयार करवाने के लिए उसने अपने जर्नैलों पर्डिकास और हिफायसचन को उणासर के मार्के से पहले ही रवाना कर दिया। रस्ते में दो एक छोटी मोटी झड़पें लड़ता हुआ सिकंदर रवाना हुआ दरिया की तरफ। उसका रास्ता इसी इलाके में से था जो कि आज यूसुफई पख्तूनों का है, यानी मर्दान और सवाबी का इलाका। एक रिवायत का जिक्र कुछ अहम है और वो है वो आम ख्याल के चित्राल का कलाश कबीला सिकंदर या इसके सिपाहियों की औलाद में से हैं। लेकिन रिवायतों को छोड़कर अगर असल तारीख को बगौर देखा जाए तो पता चलता है कि ऐसा हरगिज नहीं। चित्राल तक पहुंचने के लिए सिकंदर को या तो दरियाए कुनार के साथ साथ सफर करना पड़ता या फिर वो 10,000 फुट ऊंचा लवारी का दरा पार करता। लेकिन तारीख इन दोनों में से किसी काम की शाहिद नहीं है, ना तो किसी दरिया के साथ लंबे सफर की और ना ही बर्फ से अटे हुए दरा लवारी को पार करने की मुहिम की। ना ही किसी तहकीक से यह पता चलता है कि मसागा, बजीरा, औरा या ऑर्नोस चित्राल के इलाके में हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कलाश नस्ल यूनानी फौजी भगौड़ों से चली। तो ये पूछने की जरूरत है कि इन भगौड़ों की खबर हम तक पहुंची कैसे, क्योंकि तारीख में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। दरअसल इस किस्म की रिवायत सिकंदर के जमाने से ही मशहूर है। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद के नजदीक जब सिकंदर नाइसा नामी शहर की तरफ पेश कदमी कर रहा था तो इस शहर का वाली सिकंदर के पास आया। इस सरदार का नाम हमें आर्यन की जबानी एक्यूफिस पता चलता है। इसने सिकंदर को कहा कि ऐ बादशाह, तुम हमारा शहर तबाह ना करना, क्योंकि देवता डायोनीसस, जिसको तुम मुकद्दस मानते हो, उसने ये शहर आबाद किया था। तो सिकंदर ने एक्यूफिस से सुलह कर ली और इसकी सरदारी को कायम रहने दिया। अगर आप तारीख में सिकंदर से पूरे 150 साल पीछे चले जाएं, तो आपको पता चलेगा कि फारस के हखामंशी बादशाह अर्दशेर ने जब सन 480 कबल मसीह में यूनान को फतह किया तो वापसी पर अपने साथ बहुत से यूनानी गुलाम ले आया। इन लोगों को अर्दशेर ने अपनी सल्तनत के इलाके बाख्तर यानी अफगानिस्तान के शहर बल्ख में आबाद किया। अब अर्दशेर और सिकंदर के दरमियान के 150 साल में ये यूनानी कोई बल्ख में ही तो नहीं बैठे रहे होंगे। जैसा कि इंसान की जबिल्लत है, ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर बिखर गए होंगे। इसी बिखरने में यूनानी देवता डायोनीसस की रिवायतें भी फैली होंगी। ऐन मुमकिन है कि इन यूनानी गुलामों ने आगे चलकर अपनी काबिलियत के जोर पर सरदारियां हासिल कर ली हों और फिर इन्हीं में से एक समझदार सरदार ने आगे बढ़कर सिकंदर को डायोनीसस का वास्ता देकर ना सिर्फ अपना शहर बल्कि अपनी बादशाही भी बर्बाद होने से बचा ली। इस तरह यूनानी खून की खोज हमें चित्राल के कलाश लोगों में नहीं बल्कि सूबा सरहद के पख्तून कबायल में करनी चाहिए।
زمانہ قبل از تاریخ سے ہی دریائے سندھ کا مشہور اور مصروف پتن موجودہ اٹک سے چند میل اوپر تھا. تاریخ میں اس کا نام ہمیں ادا بھانڈا یا ادا بھانڈا پورا ملتا ہے. سنسکرت سے واقف لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس لفظ کا مطلب تھا پانی کے برتن والا شہر. یہ تو پتہ نہیں نام پڑا کیسے, لیکن نام تھا دلچسپ اور پرانی تصانیف میں یہی نام ہمیں ملتا ہے. لیکن جب سن 1017 میں ابو ریحان البیرونی یہاں سے گزرا تو اس نے اس کا نام او ہند لکھا. وہ اس طرح کہ لفظ ادا بھانڈا بگڑ کر عام لوگوں کی زبان میں اتھنڈ ہو گیا تھا, جس کو فارسی بولنے والے اس لاجواب انسان نے اپنی تصنیف میں او ہند لکھ دیا. اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بگڑ کر ہم تک ہنڈ کی صورت میں پہنچا. یہی وہ جگہ تھی جہاں پر سکندر کے جرنیل اس کے لیے کشتیوں کا پل تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہ قدیم شہر ہے کہ جو 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں ہندو شاہی خاندان کا دارالخلافہ تھا. ہنڈ کے ایسے پوت ہیں کہ جو اپنے شہر کی قدامت پر بہت فخر کرتے ہیں, اور وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شاید نام ہنڈ کا ہند سے کوئی تعلق ہے, اور یوں شاید ان کا شہر برے صغیر کا سب سے قدیم شہر ہو. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ قدیم نام ادا بھانڈا پورا ہی بگڑ کر اتھنڈ اور پھر ہنڈ ہوا. ہنڈ میں آپ کو شہر کی تباہی اور تجدید کی مثالیں جگہ جگہ ملیں گی, اور یہی ہے اس شہر کی قدامت کا ثبوت. کوئی بعید نہیں کہ اس رستے ہی سکندر دریا کی طرف گیا ہو, مگر اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ادھر سے بڑے بڑے لوگ گزرے. ذرا غور سے سنیں تو شاید آپ کو ان کی آوازیں بھی سنائی دیں. فارسی, یونانی, سکوں اور کشانوں کی قدیم ترکی, چینی, کیونکہ ایک لمبا سلسلہ چین سے آنے والے بدھ کے پیروکاروں کا بھی تھا جن کے لیے برے صغیر یعنی بدھ کی جائے پیدائش کی یاترا بہت معنی رکھتی تھی. اور پھر پنجابی اور پختو بولنے والے سردار اور سورما, کلندر اور فقیر اور تاجر وغیرہ سب ہی ادھر سے آتے جاتے تھے. سکندر نے تو اپنے جرنیلوں کو پہلے ہی یہاں بھیج دیا تھا, سو جب وہ یہاں خود پہنچا تو یہاں خوب سامان تھا. حفاظ چند اور پرڈیکاس نے نہ صرف یہاں پر ایک پل بنا دیا ہوا تھا کشتیوں کا, بلکہ انہوں نے چند بڑی عالیشان کشتیاں بھی حاصل کی تھیں کہ شاید دریائے سندھو کے اوپر پہنچنے کی خوشی میں ان کا بادشاہ کشتی کی سیر کرنا پسند کرے. Thank you.
सिकंदर के तारीख दान इस दरिया को इंडस लिखते हैं। दरअसल तो सिकंदर से भी कोई 200 साल पहले यानी सन 512 कबल मसीह में, जब हखामंशी सल्तनत के बादशाह दाराए अव्वल ने एक यूनानी जहाजरान को, जिसका नाम स्काइलैक्स था, उसको दरियाए सिंध का नक्शा बनाने के लिए भेजा, तो उसने भी अपनी तसनीफ में इसका नाम इंडस ही लिखा। तो सवाल यह कि ये नाम आया कहां से? हम ये तो नहीं जानते कि कदीम जमाने में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बासी जो थे वो इस दरिया को क्या कहते थे, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि जब वस्ती एशिया से आए हुए आर्याई जबान बोलने वाले लोग यहां पहुंचे दरिया के किनारे पर, तो उन्होंने इसका नाम सिंधु रखा। उनकी जबान में इसका मतलब था बड़ा पानी, यानी वो बड़ा दरिया भी हो सकता था और समंदर भी। और जब सिंधु का नाम फारसी में पहुंचा तो वो हिंदू बन गया। वो इस तरह के जबान के इस्तेमाल के लिहाज से संस्कृत का सीन फारसी के हे से तब्दील हो जाता है, जैसे कि सप्त जो कि सात होता है संस्कृत में, वो वहां जाकर हफ्त हो जाता है फारसी में। और फिर जब यूनान के लोग यहां आए तो उनके तलफ्फुज के लिहाज से हिंदू जो दरिया था वो इंडस हो गया, और जिस धरती पर वो बहता था वो उसी की निस्बत से इंडिया थी। और जहां तक ताल्लुक है लफ्ज हिंदू के मजहबी मफहूम का, तो वो तो अभी कोई जुमा 8 दिन पुरानी बात है। तो ये धरती जिस पर बहता है महासप्ता सिंधु, वो अजीम दरिया जिसमें सात और दरिया शामिल होते हैं, वो मुख्तलिफ अतवार में हिंदुस्तान, इंडिया और सिंधिया जैसे नामों से जानी जाती रही। इस दरिया को पार करते हुए सिकंदर और उसकी फौज के दिलों में किसी किस्म का खौफ या अंदेशा नहीं था। गो दरिया के पार टैक्सिला की फौज अपने राजा के साथ आई हुई थी, और उनके साथ थे 30 हाथी, 3000 बेहतरीन सांड और कोई 10,000 से जायद भेड़ें। ये वो नजराना था जो कि अंबी राजा सिकंदर के लिए लाया था। किस्सा यह था कि अभी जब सिकंदर वहां अफगानिस्तान में था तो राजा अंबी उसकी खिदमत में हाजिर हुआ दोस्ती की पेशकश लेकर। सो जब सिकंदर दरिया पार कर रहा था तो वो अपनी फौज को लेकर एक दोस्त मुल्क में दाखिल हो रहा था। यहां दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर उतरने पर अंबी ने सिकंदर को एक सपासनामा पेश किया। उसने कहा कि ऐ सिकंदर, हमें क्या जरूरत है कि हम एक दूसरे से जंग लड़ें? तुम हमारी धरती का पानी या हमारी और जरूरियात की चीजें को चुराने नहीं आए, क्योंकि यही वो चीजें हैं कि जिनके लिए लोग एक दूसरे से जंग लड़ा सकते हैं। और अगर दूसरी मलकियत का सवाल है, वो अगर मेरे पास ज्यादा है तो मैं तुम्हारे लिए बड़ा सखी साबित होऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो तो तुम्हारी सखावत को हरगिज नहीं ठुकराऊंगा। बादशाह समझदार था ये अंबी, क्योंकि सिकंदर के दिल को ये बात खूब लगी। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इस तरह की कोई बात वाकई हुई तो वो यहां सिंधु दरिया के किनारे पर नहीं बल्कि काबुल के नजदीक हुई होगी, जहां के अंबी और सिकंदर की पहली मुलाकात हुई। तो यूं सिकंदर दरियाए सिंधु के मशरकी किनारे पर पहुंचा। यहां उसने अपने तरीके के मुताबिक अपने देवताओं को भेंट दी उन जानवरों में से कि जो अंबी उसके लिए नजराने के तौर पर लाया हुआ था, और फिर वो आगे टैक्सिला को बढ़ा। आर्यन लिखता है कि ये टैक्सिला का जो शहर था ये बहुत खुशहाल था, बल्कि सच तो ये है कि टैक्सिला का शहर दरियाए सिंधु और दरियाए जेलम के दरमियान सबसे आलीशान और खुशहाल शहर था। तो आइए सिकंदर के साथ हम भी टैक्सिला को चलते हैं।